देखिए, इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों की ये मंशा थी, ये उनकी इच्छा थी कि प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में आए, क्योंकि वो जिस तरीके से इस देश के युवाओं के, किसानों के, इस देश की आधी आबादी, महिलाओं की और शोषितों पीड़ितों की आवाज़ उठाती हैं, उसके लिए संघर्ष करती हैं ज़मीन पर उतर कर, चाहे उम्भा की घटना हो, वहाँ पर वो अरेस्ट हुई लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी जो वहाँ पर जनजाति लोगों की किसान जमीनों को छीना गया था, चाहे लखीमपुर में जहाँ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर मारा था, वहाँ पर वो 3 दिन अरेस्टिंग रही, लेकिन उन्होंने लोगों के हितों के संघर्ष को नहीं छोड़ा, चाहे वो हाथरस की घटना हो। तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो दिखाता है कि प्रियंका गांधी जी लोगों के हितों के लिए किस तरीके से लड़ती हैं। तो हम सभी इस बात को मांग कर रहे थे कि प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में आए, अभी तक वो पर्दे के पीछे से भूमिका में थी, अब देश के संसद के अंदर इस देश के युवाओं की, देश की आधी आबादी, महिलाओं की और किसानों की, शोषितों पीड़ितों की आवाज़ और मजबूत होगी, और वो सरकार जो इस देश के युवाओं की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती, जब किसानों की बात करिए, लोगों की बात करिए, तो वो बुलडोजर और CBI ED के नाम पर डराती धमकाती है, उनको भी, उस सरकार को भी सबक होगा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। प्रियंका गांधी जी के सक्रिय राजनीति में संसद सदस्य बनने पर हम सभी काफ़ी उत्साहित हैं और निश्चित तौर से इस देश की आधी आबादी विशेष तौर से आप उत्साहित है, क्योंकि अब महिलाओं की आवाज़ और मजबूती से बुलंद होगी।